वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एक अपडेट वीडियो बनाओ क्योंकि गाड़ी अब पूरी परफेक्टली रेडी हो चुकी है, तो उसका एक ओवरव्यू पूरी ऑडियंस को दे दो। और इसी के साथ में एक क्वेश्चन था कि भाई आप कौन कौन सी लाइटिंग से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर करने वाले हो, प्लस क्या क्या चीजें अपग्रेड होकर आने वाली है। सो मैंने अभी रिसेंटली जो है बार लाइट पूरा इंस्टॉल किया था, गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, छोटी मोटी अभी ट्यूनिंग अप का काम रह रहा है, लेकिन स्टिल एक ओवरव्यू का एक फर्स्ट इंप्रेशन मुसाफिर की साइड से आप लोगों तक पहुंचने वाला है। सो जल्दी से वीडियो देख लो और उसके बाद लास्ट में बात करेंगे कि भाई अभी और खर्चा क्या बढ़ने वाला है और क्या क्या चीजें मैंने करवानी, लेकिन उससे पहले ये पूरा फर्स्ट इंप्रेशन वाला वीडियो देख लो। साफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। सो वो दिन आ चुका है जिस दिन मेरी गाड़ी, मैं परफेक्टली कह सकता हूँ जी हाँ, अब ये गाड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने लायक हो चुकी है। सो भाई सबसे पहले गाड़ी की फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, एक तरीके का फर्स्ट इंप्रेशन है ये मुसाफिर की जिप्सी का। तो फ्रंट में जो है भाई यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा पहले वो एक रॉड सी लगी थी जिसकी वजह से ये बुलगार टाइप का लगता था। तो आप लोगों को बताया था जो भाइयों ने मेरे को आज पहली ये वीडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, तो भाई हमने लगवाया था ये ऑफरोडिंग वाला बम्पर। तो ऑफरोडिंग बम्पर में यहाँ रॉड लगी थी जो कि मैंने हटवा दी है, ये दो स्लॉट बचे हुए इसको भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे। बाकी हम लोगों ने लगाई हुई है अपनी ये बार लाइट, और भाई ये बार लाइट नॉर्मल बार लाइट ही है, 432 वॉट की है और 144 एलईडीज है इसके अंदर टोटल। हर जो एक एलईडी होती है वो तीन वाले की होती है, तो उसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितने वोल्ट की आप लोगों की जो बार लाइट है वो होगी। तो एक तरीके से अगर आप मेरे से ओवरव्यू पूछते हो इसका, तो भाई इसका मैं आपको नाइट मोड भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस गाड़ी का जो लुक था उसके साथ यही जाती थी, इसीलिए मैंने ऊपर न लगा के क्योंकि मैं छेड़खानी नहीं कराना चाहता था, मैंने इसको नीचे प्लेस कर दिया। एंड दिस इज हाउ द फाइनल लुक्स कम, और बिल्कुल परफेक्ट है भाई, बिल्कुल जहां लेके जाऊं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। स्टिल अगर आप में से कोई भी इसको प्लान कर रहा है परचेस करने का, मैंने इसको क्रॉल बॉक्स या कहीं से नहीं परचेस किया, मैंने banggood.com से इसको मंगाया था, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहां पर आप लोग जाके इसको परचेस कर सकते हो। लाइट्स के बारे में जहां तक बात है भाई, लाइट्स बहुत जल्दी मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को दिखाने के लिए हेलोजन वर्सेस एलईडी वाली वीडियो बनाऊंगा जिसमें एलईडी लाइट इसमें लगी होगी और उसका कंपैरिजन आपको बता दूंगा कौन सा ज्यादा अच्छा है और कौन सा ज्यादा बुरा इसके अंदर मिलने वाला है। जहां की बात है बीच के ग्रिल की, दो तरीके की ग्रिल आप लोगों को मिलती है, हम लोगों ने एक योली लगाई थी सुजुकी वाली और ये मेरे को काफी ज्यादा जेन्युइन लगी और देखने में अच्छी लगी, तो आपके भाई ने ये लगवा लिया। इसी के साथ में आपको आगे इंडिकेटर्स मैंने लगवाए थे, ये आप लोगों की मैंने DRLs टाइप की लगाई हुई है, काफी ज्यादा ब्राइट है और रोड में काफी अच्छा असिस्टेंस करके ये चलती है। और जो जो जानना चाहते हैं मेरी गाड़ी कहाँ की रजिस्टर्ड है भाई, ये शिमला की रजिस्टर्ड हुई है, HP 52 वहीं का नंबर रहने वाला है। साइड प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं भाई, तो भाई साइड प्रोफाइल में कैसा लग रहा है पहले कमेंट करके जरूर बताना। उसी के साथ में भाई जो टायर्स है हमने डलवाए थे 215 CH के ZAR टायर्स, हाईवे और क्या बोलते हैं टेरेन वाले ST टायर्स जिनको हम बोलते हैं, वो लगे हुए देख सकते हो। ST टायर्स एलॉयज जो अलग से परचेज किए गए थे, इसका लुक मेरे को काफ़ी ज़बरदस्त लगा इसलिए इसको मैंने लगाया। स्नॉर्कल 120% वर्किंग है, इसके अंदर जो तामझाम है वो सारा तामझाम मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। इसके जो शीशे थे दिस वॉज मतलब एक तरीके से कह सकते कस्टम मेड शीशे थे, पूरी कस्टम मेड मैंने बॉडी बनाई थी। ये 18 गेज की बॉडी है और नीचे 20 गेज की होती है, ऊपर वाली जो है वो 18 गेज की बॉडी बनवाई थी और रिस्पॉन्स वाइज इट्स गोइंग ग्रेट। पीछे चेकआउट कर लो। एक चीज़ आप लोगों को बताया था, बहुत सारे लोग कुछ दिनों में मेरी गाड़ी में देखेंगे कि ये मैंने टायर कौन सा डलवा रखा है, मैक्सिस का बिग हॉर्न क्यों मैंने स्टेपनी में डलवाया, और ये 235 है, आप लोगों को पहले बताया था, ठीक है, ये 235 का टायर है और मैंने केवल इसलिए डलवा रखा है क्योंकि भाई मेरे को स्टेपनी में स्पेशली जो है मैंने चेक करना था कि भाई क्या रिस्पॉन्स है इस 235 के टायर का। तो मैं अभी जो हूँ कुछ टाइम के लिए 235 भी चेक करूंगा चारों टायर लगा के, और फिलहाल के लिए मैंने इसको पीछे लुक देख रहा था क्या लुक निकल के आता है। उसी के साथ में भाई मैंने अपनी गाड़ी में एग्जॉस्ट लगाया था, ठीक है, दिस इज अ फुल एग्जॉस्ट सिस्टम, और अभी क्या हो रहा है इसमें पूरा नीचे रबर पेंट कराया मैंने, ठीक है, नीचे पूरा रबर पेंट कराया था, तो इसमें लगने की वजह से जब गाड़ी चलती है हल्की हल्की से ऐसा आपको लगेगा कि कुछ जलने की बदबू सी आ रही है, तो वो इसकी वजह से आ रहा है। फुल एग्जॉस्ट सिस्टम है जो कि आगे किससे कराया हुआ है। स्टिल आप लोगों को ओवरव्यू चाहिए तो एक वीडियो जो है आप लोग पीछे सेक्शन में जाके, या फिर आप लोग अगर जाओगे प्लेलिस्ट में तो प्लेलिस्ट में माई जिप्सी के ऊपर पूरी वीडियोस आप लोगों को बनी हुई दिख जाएगी। जहाँ तक बात है पेंटिंग के बारे में, नीचे कराया गया है ग्लॉसी पेंट, ऊपर है मैट, तो पहले जिन जिन भाइयों ने मेरे को फॉलो अप करते हुए आ रहे हैं तो मैंने इसके बाद पूरा ग्लॉसी करवाया हुआ था, तो वो ग्लॉसी ने सटवा के मैंने फिर से मैट करा लिया क्योंकि इसी से गाड़ी का लुक निकल के आ रहा है, देखो, ठीक है भाई, पूरी एक लाइन से ऊपर जो है पूरा का पूरा मैट है और उसके बाद ग्लॉसी है नीचे, ठीक है, ये डिफरेंस के लिए आप लोगों के लिए आई गेस हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ में भाई मेरे से भाइयों ने पूछा कि भाई आपने ये टेप क्यों लगाई है, तो भाई जिप्सी में यहाँ टेप इसलिए लगानी पड़ती है क्योंकि जिप्सी में एक वे आउट होता है जहाँ से पानी अंदर आता है और दूसरा होता है यहाँ से
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नाली बनाई थी, इससे पानी का पूरा आउटलेट जो आगे की साइड से बाहर निकल जाए, ठीक है। इसका आउटलेट हमने बाहर निकलने का बनाया हुआ है यहाँ पर, लेकिन उस तरफ जो है हम लोग वो चीज़ नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू आया था, लेकिन वो ठीक है, फिर भी सॉर्ट आउट तरीके का मैंने कर दिया है। और बाकी तो भाई देखो, बाहर के उससे जो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखा दिया है। साइड की पट्टी थी ये, तो ये पट्टियों को मैंने पेंट कराया, लेकिन इसमें पेंट ज़्यादा कह सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ज़्यादा चलता नहीं है। जहाँ तक पेंट के बारे में बात है, बाहर हमने फॉर्चुनर वाला पेंट कराया है, अंदर जो है पूरी गाड़ी में मैंने वरना वाला पेंट करवाया था। ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस था, जिसके बाद मैंने ये सब चीज़ें चूज़ करके करवाई गई थी। और भाई एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ, सेंट्रल लॉकिंग लगी हुई है गाड़ी में, पावर विंडो लगी हुई है, तो देखना है तो भाई एक बार लुक देख लो, ठीक है। अपनी पावर विंडोज़ है, 120% परफेक्ट वर्किंग, सब कुछ अपना पूरा कंपोनेंट का सेट लगा था। दिस इज हाउ द इंटीरियर राइट नाउ लुक्स लाइक, लेकिन इंटीरियर में आप लोगों को सीट जो है अभी कुछ दिनों बाद चेंज होती दिख जाएगी, क्योंकि इसमें पूरा मेमोरी फोम मैंने करवाना है, क्योंकि मैंने पर्सनली सोचा हुआ है। नीचे मैंने फुल मैटिंग कराई थी, यहाँ मेरा थोड़ा सामान पड़ा हुआ है। इसी के साथ मैं सिस्टम लगाया था, जिसमें स्विफ्ट का आगे का ये माउथ जो होता है, मतलब माउथ का जो कट होता है, ये लगाया था। साइड से भी कवर करना रह रहा है, इसको साइड से कवर कराना है। यूएसबी का एक पोर्ट लगाया था, स्टेयरिंग जो है वो हमने लगाया था वैगनार का, स्पीडोमीटर, ईच एंड एवरीथिंग वाज ओरिजिनल। और भाई इसी के साथ में हमने डैश कैम डाला है, 70 MAI कंपनी का है ये, अगेन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगर आप लोगों ने इसको परचेज करना है। रूफ के बारे में बात करते हो तो भाई देख लो, फुल ब्लैक वेलवेट रूफ लगाई थी मैंने इसमें, ठीक है, देख लो। और इसी के साथ में लाइटिंग का जो ऑप्शन था वो यहाँ से LED कराया था, ऑन एंड ऑफ का। इसी के साथ में भाइयों, मैंने जो है अपनी सीट साइड से पूरी प्लास्टिक पेंट कराई है, ठीक है। प्लास्टिक पेंट का फायदा क्या होता है वो उस तरफ से दिखाता हूँ आप लोगों को, उस तरफ से एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। मीनवाइल नीचे देख लो भाई, टो करने के लिए लाल रंग का ये लगाया हुआ है। इसी के साथ में बैक कैमरे की प्लेसमेंट देख लो, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट जगह बैक प्लेसमेंट कराई है मैंने बैक कैमरे की। और इसी के साथ में एक चीज़ अभी जो मैं फिलहाल के लिए फेस कर रहा हूँ, गाड़ी लॉक हो जाती है, क्योंकि जो इसका ये लॉक होता है ना यहाँ वाला, तो इसमें थोड़ा हल्का फुल्का सा इशू है। पेंट की तो देख लो भाई, ये प्लास्टिक पेंट कराया था मैंने, कितना फाइन और फिनिश है जरूर बताना कमेंट करके। इसकी आप लोगों को बैक कैमरा दिखाता हूँ, देख लो भाई, दिस इज हाउ द बैक कैमरा लुक्स लाइक। और ये मैक्स लिंक का एक ऐसे, और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, और भाइयों ने बहुत अच्छी तरीके से प्लेस किया था, और बिल्कुल बढ़िया वाली क्वालिटी जो है वो इसमें आप लोगों को देखने को मिलने वाली। देख लो भाई, मज़ेदार है, मेरे को मज़ा काफ़ी आया, और मैंने सोचा कि अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी भाई देखो, गाड़ी के अभी जो पीछे का सीन है वो मैंने सारा का सारा फोल्ड करवाया हुआ है, इस पर मैंने कुछ भी अभी ओपन नहीं है, सब चीज़ें फोल्ड है। रीज़न बीइंग कि भाई अभी जो है मेरा इतना ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, कोई पीछे बैठता नहीं है, तो मैंने इसलिए इसको खोला नहीं है। सो ये तो आप लोगों के लिए फॉर आइडिया हो गया। इसी के साथ में भाई आप लोगों को एक अपडेट और बता देता हूँ, पहले चाबी निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अपडेट बता देता हूँ कि कुछ दिनों बाद जो है मैं इसकी लाइटिंग के ऊपर और काम करने वाला हूँ। ये लाइटें काफ़ी अच्छी निकल के आई है, दो लाइटें जो मैंने सोची हुई है छोटी छोटी, जो कि मैंने चाइना से ऑर्डर कर रखी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लगाएंगे। ये मैंने banggood.com से मंगा रखी है, तो लेट्स सी कि जब वो आ जाएगा तब आपको और अच्छी तरीके से मैं दिखा पाऊंगा। इसी के साथ में भाई देख लो एक बार पेंट वाला भी, ठीक है, पेंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हुआ है, ठीक है। और कुछ भाई बोलेंगे कि भाई पेंट करते हुए वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो आप लोग देखने वाले हो पेंट की वीडियो इन 3, 2, 1 एंड कहाँ गया हाथ, ये रहा ये रहा ये रहा। आप लोगों के लिए मैंने ये एक्सक्लूसिव वीडियो रखी हुई थी, जो कि आपकी रबर पेंट के ऊपर है, तो देख लो भाई। हवा कम करो, हवा तेज है, तेज तो रहेगा। जो रबर पेंट यूज करते हैं उसका नाम क्या है भाई? जैक्सन, जैक्सन का रबर कोट आता है ये, और ये वाला लगाया था, बढ़िया वाला काम हो गया। अभी भैया नीचे जाओगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, जाएंगे, चलो हंस के बोल रहे हैं भाई, जाएंगे नीचे। मतलब देखो ये आज कहीं भी घुस जाएंगे, ये आज कहीं भी घुस जाएंगे, कहीं भी घुस जाएंगे।
कि आप लोगों को पेंट की वीडियो देख के मजा आएगा। सो भाई एक बार शीशे का अपडेट देता हूँ। साइड मिरर्स मैंने जो मंगाए थे boardmo.com से वो आ चुके हैं और ये अपने बुलेरो वाले शीशे, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है और लुक भी काफी फिनिशिंग वाला और बढ़िया वाला आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूरो 4 और इसमें सब चीजें आप लोगों को क्लियरली दिखी हुई मिल जाएगी। अंदर के बारे में बात करोगे, सारे के सारे जो है चीजें आ चुकी है। ये अपना बिल्कुल ओरिजिनल लग गया है, ये भी अपना पूरा फिटिंग आ गया और एंड वाला भी फुल फिटिंग के साथ आ गया। तो भाई ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। जहां तक बात है मैट के बारे में, मैंने मैट मंगाए थे तो हो क्या रहा है भाई, हमने ये कस्टम मेड करवा के लगवाया, तो योले मैटों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन स्टिल ठीक है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन स्टिल जो मैंने मंगाया था मैट वाला, वो ज्यादा खास बैठ नहीं पाया और स्पेशली आगे वाला जो अगर मैं उसको बिछाता हूँ तो वो इस तरफ से फंसता है, क्योंकि ये जो हमने है ये अलग से करवा रखा, तो ये हल्की फुल्की दिक्कत हमें दे रहा है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, इतनी हल्की फुल्की दिक्कत हम लोग झेल लेंगे। और बाकी तो भाई देखो, अभी एसी का अपडेट, बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं एसी लगवाओगे नहीं लगवाओगे। तो भाई आई एम नॉट रियली श्योर कि इस गाड़ी में एसी लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो जो है भाई मैं इसका एक्सेलेरेशन और इसको चला के एंजॉय करता हूं और अभी तक मेरे को काफी ज्यादा मजा आ रहा है। इसी के साथ भाई मेरा भी कुछ सामान है जो कि boardmo.com से आने के लिए रह रहा है। जैसे कि भाई मैंने जो है, आप लोगों ने देखा था कि मैंने पीछे की तरफ में जो है ओरिजिनल वाले नए बिल्कुल जो है शॉकल गैबले वाले डलवा लिए थे, आगे की तरफ में मैं फिर से डलवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो पुराने उन्होंने डाल के दिए उसमें ज़्यादा मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैंने वो चीज़ जो है सोचा कि हाँ भाई उसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन मुझे अपनी साइड से करना पड़ेगा। बाकी भाई आज जो है इस वीडियो का अगला जो आप लोगों को पूरा पार्ट दिखेगा वो मायापुरी में ही है, क्योंकि भाई मेरे को जो है इसमें लगानी है सीट बेल्ट, और सीट बेल्ट अभी तक मेरी आई नहीं है जो मैंने ऑर्डर की थी boardmo.com से। तो ऐसे में वो आ जाएगी, वो लगा लूंगा। फिलहाल के लिए भाई थोड़ा सा अब गाड़ी को मेरे को दूर लेके जाना है, तो मेरे को आज सीट बेल्ट इसमें लगानी है। इसी के साथ में भाई बाकी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेट्स सी कि जब और सामान इसका आ जाता है, स्पेशली जो LED लाइट्स है भाई जो आगे आने वाली है उसके बारे में आप लोगों को अपडेट दूंगा, जो अपनी हेडलाइट में LED आती है और जो साइटों में लाइट लगाऊंगा उसका भी आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाएगा। सो भाई नेक्स्ट बारी आती है आप लोगों को आगे से दिखाने का थोड़ा। तो ये जो है अपना इस तरफ इसका एक वो होता है खींचने का, ठीक है, तो एक से शूट कर रहा हूँ एक हाथ से, ठीक है। तो भाई ये आ गए मंदिर की तरफ, तो यहाँ पर चेकआउट कर लो। मैंने Amron की नई बैटरी लगाई थी, दिस इज़ माई फुल वायरिंग जो कि मैंने सारी चीज़ें बंधवाई हुई है, ऑटो कॉप का सब कुछ दिख जाएगा। इसी के साथ में K&N का पोलो का हमने एयर फिल्टर डाला था, ठीक है भाई। ये हमारा पूरा लाली भाई ने किया था, तो उसका सेटअप बैठाया था, जो आप लोग ये पूरी देख रहे हो कि ये पूरी आ रही है जो आपकी एयर की आती है, तो ये अपनी लगी हुई है भाई Accord की, ठीक है। Accord जो नई वाली आती है उसकी लगाई गई है। गाड़ी में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग डाला गया था, ठीक है, और यहाँ पर देख लो आप लोगों को दो पलटें दिख जाएगी, ठीक है। और ये सारा काम जो है भाई ये बढ़िया तरीके से कराया गया था, ये पार्ट चेंज हुआ था, ये पार्ट भी चेंज कराया था हमने, और जितने अच्छे तरीके से इंजन बनवा सकते थे मैंने बनवा दिया। जब भी आप लोग आगे बार लाइट लगवाते हो तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो है, तो आप लोगों का ये वाला रिले लगता है जिससे जो है लाइट कंज्यूमिंग ठीक हो जाए और कुछ भी चीज़ शॉर्ट ना करे। बाकी तो भाई सारा तामझाम आप लोगों के सामने है। एंड एक चीज़ जो थोड़ा सा कहते हैं ना कि आवाज़ रिडक्शन के लिए लगाया जाता है, तो STP की हमने ये लगाई थी और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स और अभी तक बढ़िया चल रहा है, बाकी बताऊँगा लॉन्ग टर्म में। और जहाँ तक बात है रॉड की, तो भाई एक रॉड होती है जो कि इधर लगाई जाती है जो कि अभी नहीं लगी है। यूजली लोग ऊपर की तरफ में जो है दो रबर लगवा लेते हैं जिसमें टिक जाता है, लेकिन अपना जो है स्नॉर्कल अटकता है इसमें, इसलिए मैंने हाथ से इसको पकड़ा भी होगा। सो ऐसा कुछ आगे से था और आई गेस कि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया होगा। मोस्ट अवेटेड थिंग जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मायापुरी आया हूँ, विक्की भाई के साथ हूँ और यहाँ पर अपना सीट बेल्ट का काम चल रहा है। क्या हाल चाल है विक्की भाई? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ऑडियंस को बताओ कुछ बढ़िया चीज़। बहुत बढ़िया, मुसाफिर भाई ने गाड़ी में सिस्टम जो लगवाया हुआ है एक नंबर का, वेरी गुड है, नंबर वन है, और कंपोज बहुत बढ़िया है, साउंड वगैरह आवाज़ वगैरह भर्राती नहीं है उसमें और बहुत बेहतरीन लगवाया हुआ है। चलो बढ़िया है भाई, भाई ने फीडबैक दे दिया। सीट बेल्ट लगा रहे हैं, देखो भाई पुरानी सीट बेल्ट ही लगा रहे हैं, अगर नहीं मिल जाती तो नहीं लगाऊंगा बाद में, लेकिन अभी फिलहाल परेशान ना होने के लिए योला काम का पूरा सेटअप बिठा रहे हैं। इट्स टाइम कि मैं आप लोगों को एक बार नाइट मोड दिखा दूं, कि जब हमारे आगे के जो बार लाइट है वो चलती है तो कैसा आप लोगों को व्यू आता है। पहले डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ कि भाई मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप रात को इसको जलाओ। जहाँ पर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या जहाँ पर बिल्कुल ऐसी जगह है जहाँ पर इसका यूज़ बहुत ज़रूरी है, वहीं पर इसको यूज़ करें। तो लेट्स सी कैसा रिस्पॉन्स रहता है। यहाँ मैंने इसका बटन लगवाया हुआ है, ठीक है, तो 3, 2, 1 देयर यू गो। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, एंड फ्रंट से आप लोगों को लेके जा रहा हूँ और इसमें 3 कलर का कॉम्बिनेशन है क्योंकि सबसे बेस्ट वाला लुक आता है इसमें। ब्लू वाला भी एक शेड है और बीच बीच में देखोगे तो आपको इसमें पूरा वो हेलोजन वाला ग्रेड भी दिखता है और ब्लू वाला देखोगे तो दूर तक जा रहा है, एंड इट लुक्स वेरी ब्राइट। एंड सामने से देखो भाई, बढ़िया, बिल्कुल तगड़ा लग रहा है। ज़रूर बताना कमेंट करके कैसा लगा।
तो वीडियो हो चुकी है कंप्लीट, आप लोगों तक जितना भी फर्स्ट इंप्रेशन पहुंच सकता था मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया है। लाइटिंग लाइटिंग की जहां तक बात है, अगर लाइटिंग के बारे में आप लोग देखते हो तो अभी मैं और एलईडी लाइट्स इंस्टॉल करूंगा। अगेन एलईडी लाइट गर्मियों तक ठीक है, सॉर्ट आउट कर चलता है, लेकिन जब भी विंटर्स आ जाएगी उस टाइम पे थोड़ी दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत आप लोगों को आने वाली है। सो भाई इसके बारे में मैंने सोच रखा है। और जहां तक खर्चे के बारे में बात है तो भाई करीबन 5 लाख से प्लस खर्चा हो चुका है, जो कि पूरा अपग्रेडेशन, जो आप लोगों ने म्यूजिक सिस्टम देखा, सब चीजें, जो गाड़ी को ट्यूनअप किया वो हो चुका है। एक बार ये कंपनी में जाएगी गाड़ी, वहां पर ट्यूनअप होगी, ओबीडी से पूरा कनेक्ट करके इसको ओके रिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो भाई आई गेस कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव, बढ़िया, और आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए होंगे। सो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो बिना लाइक शेयर कमेंट करे बिना मत जाना। अगर मुसाफिर के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, 1 मिलियन प्लस फैमिली में आप लोग भी जल्दी से जल्दी जाके ऐड हो जाओ। इसी के साथ ही मुसाफिर को और अपडेट्स के लिए और लाइटिंग के लिए आप लोगों ने फॉलो करना है तो जाके मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम में, लिखो MUSAFIR7811 यानी कि MUSAFIR7811 और आपका भाई वहां पर आप लोगों को नए अपडेट, नए चीजों के साथ मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो को कर रहे हैं, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड